गौशाला पलवल में रविवार को दक्षिणी हरियाणा के झांकी कलाकारों की मीटिंग हुई, जिसमें देवी देवताओं का अपमान करने वाली झांकियों पर चिंता व्यक्त की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जागरणों में निकाले जाने वाली झांकियों में अब गिरावट आती जा रही है। सुदामा जो कभी किसी से दान नहीं मांगते थे, लेकिन कमाई के चक्कर में झांकियों में वो लोगों से रुपए मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। राधा और कृष्ण की झांकियों में, शिव और पार्वती की झांकियों में फूहड़पन और अश्लीलता परोसी जा रही है। झांकियों में आए हुए नए नए कलाकारों में श्रद्धा का पूर्ण अभाव है। शादी ब्याहों में भी दूध का काउंटर राधा कृष्ण की झांकी से सजाया जाता है। सभी मौजूद कलाकारों ने कहा कि ऐसे कलाकारों का सख्ती से विरोध किया जाएगा, ऐसे कलाकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। झांकियों में बैल आदि का भी प्रयोग निषेध होगा। झांकी कलाकार नरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि भविष्य में निश्चित रूप से सुधार होगा। काफी गम, जैसे कि लोग आग वाली आइटम निकालते हैं, बीच में आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आई हुई है बैल वाली, कईयों के ऊपर बैल चढ़ गया है उसी को खत्म करने के लिए। और एक सुदामा जी की झांकी है, जैसे कि सुदामा जी पैसे लेते हैं एक दूसरे से, क्योंकि सुदामा जी तो कृष्ण जी के भक्त थे, दोस्त थे, वो पैसों के पीछे नहीं भागते थे। इन बुराइयों को खत्म करने के लिए, झांकियों को खत्म करने के लिए, इसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। तो ये झांकी, झांकियों के जो कलाकार है जागरण में जाते हैं, जागरण मंडलियां खुद निकलवाती हैं ऐसी झांकियां, तो उनके व्यवसाय पे भी फर्क पड़ेगा? ना ना, उसकी जगह हम एक राजस्थानी एक दो आइटम और हैं जो आज वही मेकअप करके उसी के ऊपर थोड़ा जो कहते हैं कि मनोरंजन हो जाए पब्लिक का भी, तो वही राजस्थानी आइटम में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उसी को। मतलब आज जो एक कहाँ कहाँ से इकट्ठे हुए हैं सारे? ये दिल्ली से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, और काका जी आए हुए हमारे जिन्होंने आज ये संस्था का स्थापन किया है, रजिस्टर्ड है अपना ये। तो ये जो झांकियों से क्या देवी देवताओं का अपमान भी होता था? हाँ, थोड़ा उससे भी लोगों में गलत इफेक्ट जा रहा था कि अब देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, वो उनकी आवाज सुनते हुए ये मीटिंग बिठाई गई है। ऐसे होते हैं कि जो आजकल के कुछ नए कलाकार आए हैं, जो नए बच्चे कुछ कहते हैं नटखट बच्चे, मान लो नटखट बच्चे आए हैं कुछ, उनको ये नहीं पता कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने राधा कृष्ण तो बन गए, वो गलत काम करके, यानी जो लड़की जा रही है आजकल के जो लड़के राधा बन रहे हैं, उनको अपने स्वरूप की कदर नहीं है, देवी देवताओं की कदर नहीं है। उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, आजकल के जो राधा लड़के बनते हैं, कि हमारा ये ऑब्जेक्शन उठा है कि इस चीज़ को उठा, जो आजकल के राधा बनते हैं लड़के, राधा कम एक्टर ज़्यादा लग रहे हैं, साइड में से पफ निकाल रहे हैं, और कभी राधा जी ने अपना पूरा बदन कभी नहीं दिखाया, पूरा बदन ढक के रखा, वो एक एक दो दो इंच की, कम से कम ज़्यादा ही एक एक ब्लांद की, यानी कि इतने इतने एक एक इंच की पेटों कमरों को दिखाते हैं, तो हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। हमने इसलिए ये मीटिंग रखी थी, इसलिए ये संस्था से जुड़े थे कि हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान ना हो, कोई ऐसा जागरण में अश्लीलता वाला गाना ना हो, क्योंकि आजकल के यूपी साइड में कुछ ऐसे, यूपी साइड में जेवर जट्टारी और आपका अलीगढ़ ककोड़, इधर में ऐसे लड़के जो हैं जो कुछ अलग टाइप के हैं, वो राधा बनते बहुत अश्लीलता वाला काम करते हैं। और सुदामा जी हैं, सुदामा जी का बिल्कुल मजाक बना दिया, जोकर बना दिए सुदामा जी, कभी सुदामा जी ने भीख नहीं मांगी थी, आज की डेट में उनको जोकर बना दिया। तो हमारा यही मकसद निकला था कि सुदामा जी की झांकी जो निकले वो सुदामा जी की ही तरीके से निकले, उसी चरित्र से निकले। तो क्या मान के चलते हैं कि आज की जो मीटिंग में सुधार होगा इसके बाद? इसका हम आगे से पहले से ही सुधार कर रहे हैं, और अब भी यही मीटिंग में यही सुधार के लिए ही कोशिश करी जा रही है, बिल्कुल सुधार हो। जागरण में जो कलाकार होते हैं शराब पी कर भी या कई बार अभिनय करते हैं? हाँ जी, तो बिल्कुल उस पर आते हैं, हमने उसके लिए भी पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारा झांकी, सबसे पहले जो झांकियों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा है वो हम इसको पूरा करें, फिर उसके बाद हम उन पे भी एक्शन लेंगे। देखिए, झांकियों के दौरान हमारे यहाँ पर नियम कानून बना दिए गए हैं, और उन नियम कानूनों पे चलने के लिए कई सालों से हमारे जो उनसे झांकी कलाकार अग्रसर भी हैं, लेकिन जो आपत्तियाँ उठाई गई हैं वो ऐसी आपत्ति है कि जो झांकी के समय के नहीं है, झांकी से हटकर है, जिस पर आपत्ति उठाई जा रही है कि आप, वो आपत्ति इसलिए है कि वो उन्होंने रूप में कुछ ऐसी अवस्थाओं में पिक खिंचवा रही, पिक्चर सोशल मीडिया में डाली है, और हमने उनको सजा दी भी है सर। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम झांकी समाज को सुधारते आए हैं और सुधार रहे हैं, और यही कहूँगा कि आप जितने भी हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर वो हमारा साथ देती हैं, हमारी ताकत बनती हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि झांकियों को बंद करने की जगह, झांकियों को रोकने की जगह, झांकियों के अगर सुधार में वो शक्ति हमें मिलती है तो झांकियाँ नए रूप में निखर कर आज की मीटिंग में कोई ऐसी बात भी निकल कर सामने आई कि
जागरण मंडली में कलाकार शराब पी कर आते हैं या आपत्तिजनक बातें करते हैं? देखिए ऐसे है, आज उंगली झांकी समाज पर उठी है और जिन लोगों ने उठाई है मैं उनका भी बहिष्कार इसलिए करता हूँ कि आखिर उन्होंने सोशल मीडिया पर डालकर हमारे धर्म का ही मजाक उड़ाया है। आज हमारे ऊपर उंगली उठी है, हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे, हम अपने को सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं। पर मैं कभी भी अपने जागरण पंथ के अन्य कलाकार, चाहे वो दरबार है, साउंड है, गायक हैं, महंत हैं, संत हैं, हम उनकी तरफ उंगली नहीं उठाएंगे, जबकि हमें पता है उनके अंदर कमियां हैं। तो वो धर्म के जो ठेकेदार हैं वही उठाएं, पर हम अपने आप को सुधारने का ठेका ले सकते हैं। कितने कलाकारों ने आज मीटिंग में हिस्सा लिया, कहां-कहां से लोगों ने हिस्सा लिया? पूरा दक्षिण हरियाणा समझ लीजिए, सोना से गुड़गांव, सोना से लेकर और यहां मथुरा तक के कलाकार आए हैं और दिल्ली के कलाकार भी आए हैं, बड़े सीनियर कलाकार आए हैं यहां पर।